नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच से मर्डर का मोटिव जो है वो साफ हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में, ये बड़ा खुलासा एसआईटी की तरफ से। तो एसआईटी की जांच से मर्डर का जो मोटिव है वो साफ हुआ है। पुलकित, सौरभ और अंकित ने ही किया था मर्डर। तो रिजॉर्ट के राज दबाने के लिए मौत के घाट अंकिता को उतारा गया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगनेशन ने एसआईटी जांच पर पुष्टि की है। तो अनैतिक काम के लिए दबाव बनाता था पुलकित। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, एसआईटी की जांच से मर्डर का जो मोटिव है वो साफ हुआ है। उस तह तक जो है एसआईटी पहुंच चुकी है, जिसके तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम आरोपियों की तरफ से दिया गया। तो रिजॉर्ट के राज दबाने के लिए अंकिता की हत्या की गई थी, जिसका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगनेशन ने एसआईटी की जांच पर पुष्टि की है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अनैतिक काम के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जाता था। तो जॉब के नाम पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी। पुलकित ने अंकिता पर स्पेशल सर्विस के लिए दबाव बनाया था। तो अंकिता ने पुलकित को साफ तौर पर मना कर दिया था। उसको जो भी उस पे ठहरता है उसको वीआईपी गेस्ट ये मानते हैं वहां पे रिसॉर्ट के एम्प्लॉइज। अब दूसरे है कि कोड आने वाले थे, उस पे क्या है कि उनके जो बात ये आ रही है हमारे सामने कि वो अपने मोटिव को आगे कराने के लिए, अपना बात को आगे कराने के लिए उसको ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि ऐसे मनगढ़ंत अपना बात कह के कि भाई ये कल आने का, परसों को एक पार्टी है उस पर भी आपको काम करना, जैसे टाइप पे। तो ये कि एग्जैक्टली फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि हमने फिर वी आर एबल टू गेट सम एविडेंस समोन आने वाले था उसे लगता है, तो फिर वी विल टच दैट। हाउ हमारे पीसीबी सफलता रहा, उन्होंने हमारी इंटरोगेशन तुरंत क्रॉस क्वेश्चनिंग और आमने सामने कराना जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उसी बेस पे हम पूरा कंप्लीट उसको अनरेवल कर दिया। और हमारे पास जो एविडेंसेस बाकी, जैसे कि डिजिटल एविडेंसेस है और सीसीटीवी फुटेज हो और हमारे टेलीफोन हो, वो सारा हमारे पास आ गया है। तो हमारा केस बहुत मजबूत है। लेकिन जितने हमारे जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस है, स्टेटमेंट यानी कि टेस्टिमोनीज है, उनको हमने 164 भी करा ली है और भी करेंगे। पॉइंट है कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन और भी जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है वो भी हमने कलेक्ट कर लिए। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। अभी तक का जो एविडेंस है उस बेस पे खाली हमारा 302 का ही कितने केस के रिलेवेंट वाले ये होंगे कि जो पीछे जो रुके हुए थे। तो एसआईटी का जांच जो है वो काम पूरी हो चुकी है और इस जांच से मर्डर का जो मोटिव है आरोपियों का वो भी साफ हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र दसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एसआईटी की जांच से मर्डर का मोटिव भी साफ हो गया है और साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगनेशन ने भी जांच पर पुष्टि दी है। देखिए बिल्कुल आशिमा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगनेशन ने आज ये जानकारी दी कि एसआईटी की जांच किस ओर बढ़ रही है। हालांकि ये भी क्लियर कर दें कि एसआईटी की जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पीसीआर कंप्लीट हुई थी कल शाम बजे, पुलिस कस्टडी रिमांड और तमाम चीजें पूछी गई थी अंकिता से संबंधित इन लोगों से। तो उसमें मोटिव जो निकला है, मोटिव यही है कि ये चाहते थे कि इनके रिजॉर्ट में जो वीवीआईपी गेस्ट आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, जो हाई पे करते हैं और जो स्पा और अन्य सर्विस लेना चाहते थे, और यानी सीधे तौर पे ये चाहते थे कि एक्स्ट्रा सर्विस के जरिए अंकिता को देह व्यापार में उतार दिया जाए और उनके तमाम जो क्लाइंट्स आते हैं उन क्लाइंट को सर्विस पे करें। और इससे क्योंकि इसमें तमाम वो लोग थे जो ताकत वाले हैं, पैसे वाले हैं, हो सकता है राजनेता और नौकरशाह भी रहे हों, इसको लेके इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर बताया नहीं है। लेकिन जब अंकिता ने ये कहा कि वो इस तरीके के काम नहीं करना चाहती है और
बाहर भी वो ये बताएगी कि इस रिजॉर्ट में क्या कुछ चल रहा है, तो उसी के चलते ये पूरा हत्याकांड हुआ है, ये मोटिव निकल के आया है। क्योंकि मोटिव तो ये शुरुआत से ही दिख रहा था जब ये रिजॉर्ट विवादों में आया, किस तरह के क्लाइंट से यहाँ आ रहे थे, जो चैट का जिक्र अंकिता का है जो अपने दोस्त को वो बता रही थी, तो उससे ही ये जाहिर था कि ये इसमें किस तरह की गतिविधियां हो रही थी। लेकिन इनको ये लगा कि अंकिता अगर बाहर जाएगी, लोगों को बताएगी, तो इस रिजॉर्ट के बारे में राज खुलेगा, यानी जो बिजनेस उनका फल फूल रहा था, भले ही गलत कामों से क्यों ना हो, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसी डर की वजह से इन तीनों लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पीसीआर में बहुत सारी चीजें, वी मुरुगेशन का कहना है कि बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं जो सॉलिड एविडेंस हैं, जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इस मामले में जो भी गवाही जिन लोगों की ली गई है, चाहे होटल का स्टाफ हो, चाहे अंकिता का दोस्त रहा हो, इन सबके 164 के बयान किए जा चुके हैं। 164 के बयान का मतलब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं और कोर्ट में उनको आप बदल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि पुलिस के प्रेशर में आपने बयान दिया, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान होते हैं और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये सारी गतिविधियों को लेकर ये अब पुलिस का कहना है सुरेंद्र की जो सॉलिड यहाँ पर एविडेंस मिले हैं, अंकिता को जल्द इंसाफ की राह पर ये कार्रवाई बढ़ते हुए, साथ ही साथ अब जो यहाँ पर एविडेंस और जो मोटो यहाँ पर साफ हुआ एसआईटी की जांच में, जिसकी पुष्टि भी वी मुरुगेशन की तरफ से की गई है, इसके बाद अगर आरोपियों के कबूलनामे की बात करें तो वो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि लगातार बरगलाने की कोशिश शुरुआत से की गई आरोपियों की तरफ से। देखिए बिल्कुल, चाहे पीसीआर रही हो, पुलिस कस्टडी रही हो, या इसके अलावा पुलिस की पूछताछ रही हो, आरोपियों के बयान बदलते रहते हैं। पुलिस के सामने क्या बयान देंगे, कोर्ट में कल के दिन क्या बयान देंगे, ये देखना होगा। लेकिन जो 164 के बयान मैंने कहे गवाहों के, वो बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि वही बयान कोर्ट में भी पेश होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं। कई सारी चीजें हैं, कॉल डिटेल जो निकली है वो एक बड़ा आधार है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है वो एक बड़ा सबूत है, इसके अलावा जिस तरह की चैट्स अभी तक सामने आई हैं वो एक बड़ा आधार है। तो बहुत सारे पुख्ता चीजें इनके खिलाफ हैं जो इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में पुलिस की मदद करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एसआईटी अभी भी कई सारे एंगल को देख रही है। मोटिव तो ये लगभग क्लियर हो चुका है कि मोटिव हत्या का ये रहा है, लेकिन वो वीवीआईपी गेस्ट की बात हो या फिर क्या ये प्लान्ड वे में पूरा मर्डर किया गया था, इन सारी चीजों को भी अभी एसआईटी तलाश रही है, खोज रही है। और इसीलिए मैंने सुरेंद्र आपसे सवाल किया था कि कबूलनामा अब यहाँ पर किस तरह से होगा, ये देखना होगा इस जांच के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे आगे। पौड़ी से बड़ी जानकारी आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड को लेकर एक्शन में पुलिस, सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर है, अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर, तो सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने की होगी बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही है। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अब देहरादून से बड़ी खबर, उद्यान निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान, सचिव के पास पहुंची जांच रिपोर्ट, गणेश जोशी की तरफ से बड़ा बयान यहां पर, तो दो दिन के बाद रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी। तो उद्यान निदेशक एचएस बाबीजा के खिलाफ कार्रवाई जो है वो संभव मानी जा रही है, रिपोर्ट यहां पर भेजी जा चुकी है। तो भ्रष्टाचार के मामले में गणेश जोशी ने जांच बिताई थी, जहां तक मुझे जानकारी है उसकी रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि मेरे सचिव छुट्टी पर हैं बुधवार तक, बुधवार को जो सेक्रेटरी जैसे आएंगे जांच रिपोर्ट आएगी और जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। धामी टूटी सरकार है, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो कहीं लिप्त होगा, क्योंकि जिसकी जांच जो है, जिस अधिकारी को हमने दी है, एक अच्छे अधिकारी मिल जाते हैं पुरुषोत्तम जी, और बुधवार को लौट के आ जाएंगे और जैसे रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी।
और हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला लगातार लाइव जुड़े हुए। एक बार फिर से सुरेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे। इस संदर्भ में सचिव के पास रिपोर्ट भेज दी गई और अब इसी के साथ उद्यान निदेशक एचएस बाबेजा के खिलाफ कार्रवाई संभव मानी जा रही है। मुश्किल कहीं ना कहीं उनके लिए बढ़ते हुए। देखिए बिल्कुल करीब 15 से 20 दिन पहले ये जांच बैठी थी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एचएस बावेजा जो उद्यान निदेशक हैं इनके खिलाफ जांच बैठाई थी, क्योंकि जब ये हिमाचल में सर्विस में थे वहां भी विजिलेंस की जांच हुई थी और यहां पर भी इन पर पौध को खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले में सूत्र बता रहे हैं कि जांच पूरी हो चुकी है, सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम के पास रिपोर्ट आ चुकी है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस मामले में कई अनियमितताएं पाई गई हैं और हो सकता है एचएस बावेजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाए। और बुधवार को जब सचिव लौटेंगे तो इस रिपोर्ट को वो मंत्री को भेजेंगे और उसके बाद मंत्री इस पर कार्रवाई की अनुमति दे सकते हैं या कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि कई किसानों ने भी ये शिकायत की थी कि कई जगह पे कीवी की पौध हो या अन्य पौध हो उसके खरीद के मामले में इन्होंने बड़ा घोटाला किया है, जो बाजार रेट था उससे कहीं ज्यादा महंगी पौध खरीदी गई है। आशिमा बिल्कुल सुरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। तो बता दें कि जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ते हुए संदर्भ में सचिव को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और जल्द ही कार्रवाई जो है देखने को मिल सकती है। देहरादून से एक और बड़ी खबर, कोर्ट में पेश होगा ब्लॉगर बॉबी कटारिया। तो देहरादून कोर्ट में 6 अक्टूबर को पेशी होगी शराब पीने के वायरल वीडियो के मामले में ये पेशी। तो पिछले हफ्ते कटारिया ने दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर किया था। 10 अगस्त को देहरादून में वायरल हुआ था वीडियो। 11 अगस्त को थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया था और पिछले हफ्ते कटारिया ने दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किया था और अब सरेंडर करने के बाद देहरादून कोर्ट में 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया की पेशी। पिछले सैटरडे को डेट लगी थी लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण दिल्ली पुलिस उसको यहां पेश नहीं करवाई थी। उसी तारीख को हमने दोबारा एक एनबीडब्ल्यू दाखिल कर दिया वहां सक्षम जेल में और न्यायालय में, और अब 6 तारीख को डेट लगी है और इस बार मुझे लगता है कि वो आ जाएंगे और आकर के जो भी विधिक कार्रवाई हमने करनी है, जो भी विधिक विकल्प उसके पास है तो वो इस तरह से कार्रवाई करेगा, जो भी होगा वो 6 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। तो लगातार बॉबी कटारे के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। 6 अक्टूबर को पेशी होगी, क्या कुछ दलीलें रखी जा सकती देखना होगा। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। तो भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 5 से 7 अक्टूबर तक तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है लेकिन अब बारिश से आने वाले दिनों में भी जो है वो राहत नहीं मिलते नजर आएगी। मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी चेतावनी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन पहाड़ पर भारी बारिश को लेकर प्रदेश में रेड अलर्ट। आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रदेशवासियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दरअसल एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग से तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। से जो 6 तारीख से जो एक्टिविटी है खासकर कुमाऊं रीजन अगर बात करें तो वहां बढ़ रही है या फिर उससे जो लगे हमारे गढ़वाल के जनपद है, तो एक सिस्टम है जो बंगाल से आते हुए और फिर पूरा आप ये कह सकते हैं उसको यहां तक वो आ जाएगा जो है वेस्ट यूपी तक जो है, तो इनमें जो एक्टिविटी काफी हाई लग रही है और एक्सट्रीम हैवी रेन्स की भी संभावना है जो कुमाऊं रीजन या उससे लगे गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं ना कहीं फिर सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अलर्ट है रेड अलर्ट, उसके लिए हमने 7 तारीख के लिए रखा है। 5 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 6 अक्टूबर को कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 7 अक्टूबर को कुमाऊं के साथ गढ़वाल मंडल में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के साथ कई और जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश से स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की भी परेशानी बढ़ सकती है।
इस बारिश का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कुमाऊं में रहेगा। कुमाऊं में खास तौर पे बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और इससे लगे हुए गढ़वाल के चमोली, पौड़ी, इन तमाम क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी 6 तारीख के बाद प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर ड्राइव करने से बचें और इसके अलावा डैम अथॉरिटी ये देख लें कि भारी बारिश के चलते डैम में पानी बढ़ सकता है, तो पहले से ही तमाम सावधानियों को लेकर चलें। उधर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन सजग और सतर्क है। उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेशवासियों से खास अपील की है। इस बीच भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड खतरों को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा राहत विभाग को भी अलर्ट किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, यानी भले ही देश के कई राज्यों से मॉनसून की विदाई हो गई हो, लेकिन उत्तराखंड में अभी एक भारी से बहुत भारी बारिश का झटका लोगों को झेलना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, प्रदेश में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। तो प्रदेश में डेंगू के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी में डेंगू मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ 800 के पार पहुंचा। तो प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ, आए दिन जो है वो मामले सामने आ रहे हैं और लगातार इजाफा हो रहा है। तो प्रदेश में डेंगू के अब तक 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी देहरादून में मिले हैं, जहां मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया। स्थिति आप खुद ही समझ सकते हैं। इस बीच डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य नगर अधिकारी अविनाश खन्ना के मुताबिक शहर में फॉगिंग काम का जो काम है वो जारी है और इसके लिए 7 गाड़ियों को लगाया गया है, लेकिन तमाम कोशिशें जो है वो विफल साबित होते हुए दिखाई दे रही है। राजधानी में डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है वो 800 के पार पहुंच गया है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 1200 संख्या डेंगू मरीजों की हो चुकी है। देखिए, डेंगू के खिलाफ हमारा प्रहार लगातार जारी है। वृहद स्तर पे जो है बड़ी कॉलोनीज में और जो मुख्य मार्ग हैं सभी पे कवर कर लिया गया है, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो हमारे 100 के 100 वार्ड हैं उनके अंदर जो है हाउस टू हाउस फॉगिंग का काम पहले भी था, आज भी है, और जब तक जो है हम लोग इसको जो है पीछे नहीं कर देंगे डेंगू को, तब तक हमारा कार्य जारी रहेगा। तो सिमधामी आज काशीपुर के दौरे पर रहे। काशीपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिमधामी का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद उदयराज हिंदू कॉलेज में सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही 9 अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। तो सीएम के साथ कार्यक्रम में विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद सीएम धामी मनसा देवी मंदिर में पहुंचे। मां मनसा देवी मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा के 50 साल पूरा होने पर आयोजित स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल। 9 आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे आदरणीय अजय मंत्री को और मद्दा सिंह सभी लोगों को ये पुण्यकाल करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर, तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुए पवित्र छड़ी यात्रा। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साधु संतों ने पूजन किया है चार धाम के साथ प्रमुख मठ मंदिर में होगा भ्रमण। तो बड़ी जानकारी हरिद्वार से, तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुए पवित्र छड़ी यात्रा। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साधु संतों ने पूजा अर्चना यहां पर की, जो पूरा विधि विधान के साथ रवाना यहां पर किया गया है। तो चार धाम के साथ प्रमुख मठ मंदिर में भ्रमण यहां पर किया जाएगा। तो हरिद्वार से ये तस्वीर भी आप देख रहे हो उसी दौरान की। तो तीर्थ स्थलों के लिए पवित्र छड़ी यात्रा को रवाना किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच साधु संत काफी उत्साहित नजर आए। आत्मा
आज यह छड़ी का पूजन हमारे जगत गुरु आश्रम में पूज्य गुरु जी के नेतृत्व में उनके सानिध्य में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविन्द्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे प्रिय आदरणीय पूज्य हरिगिरी जी महाराज और इनके नेतृत्व में आज जूना अखाड़ा और हम सब ने मिलकर के इस छड़ी का पूजन किया। छड़ी जो है चार धाम को लेकर के, चार धाम के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के जितने भी तीर्थ स्थान है उन सभी तीर्थों में जाकर छड़ी सबको जागृत करेगी। आज यह मुसलमान तो गरबा क्या, वो तो आज बद्रीनाथ केदारनाथ की पहाड़ियों में भी पहुंच गए हैं, वो आज तिरुपति नाथ में भी पहुंच गए हैं, वो आज जो है उज्जैन और काशी में भी पहुंच गए हैं और उन्होंने वेश बदलकर हिंदू रूप वेश रख के कलावा बांधकर माला डालकर और तो और जो दिल्ली और वगैरह के महानगर हैं इनके चौराहों पर हनुमान और दुर्गा की तस्वीर रखकर वो जो है इस समाज में इस समाज की परंपराओं को विकृत करने। तो रुद्रप्रयाग में राज्यपाल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर रहे। राज्यपाल ने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित